अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयर पर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो असाइटिस है, जिससे मुराद पेट में पानी पड़ना है, कि हमारे पेट के अंदर लिक्विड जो है वो जमा हो जाता है और एबनॉर्मल लिक्विड एक्युमुलेशन होती है। नॉर्मली तो थोड़ा बहुत लिक्विड हमारे उसमें पेट में मौजूद रहता है, लेकिन किसी मर्ज़ की वजह से जब ये फ्लूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम असाइटिस, पानी भरना कहते हैं। आमतौर पर इसकी जो वजूहात हैं कि ये पेट में पानी क्यों पड़ता है, उसमें एक मेन रीज़न जो है, यानी बहुत बड़ा जो रीज़न है, आप कह सकते हैं कि 80% जो रोल है वो सिरोसिस का है। सिरोसिस कहते हैं जिगर का सुकर जाना, और ये मर्ज आम तौर पर उन लोगों में आता है जो कसरत के साथ शराब पीते हैं। यानी जो लोग कसरत के साथ शराब पीते हैं, अल्टीमेटली उनका जिगर जो है वो ख़राब होना शुरू होता है, और जिगर के चूँकि बहुत सारे मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है या एक बहुत बड़ी तकलीफ़ या डिज़ीज़ जो है वो सिरोसिस है। और इसके बारे में आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो इरिवर्सिबल है, यानी जिगर का सुकड़ना जो है वो इरिवर्सिबल मर्ज़ है। इरिवर्सिबल डिजीज़ वो होते हैं जो वापस अपनी हालत में नहीं पलटते हैं, यानी जिनको आम तौर पर ला इलाज कहा जाता है कि आप किसी तौर इनका इलाज नहीं कर सकते। मर्ज जो है सेहतमंदी की तरफ नहीं आता है, और पेशेंट जो है इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है, जहाँ से सेहत की तरफ पलटना जो है उसका नामुमकिन होता है। तो सिरोसिस जिगर का एक ऐसा मर्ज है जो इरिवर्सिबल है, और 80% असाइटीज़ में जो रोल है वो सिरोसिस का है। और ये वो सिरोसिस जो शराब नोशी की वजह से हुआ या किसी दूसरे मर्ज़ की वजह से हुआ, लेकिन ज़्यादातर सिरोसिस का जो मर्ज़ है वो कसरत के साथ शराब पीने की वजह से आता है। इसके अलावा लिवर की कुछ और भी इन्फेक्शन हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी है, जब ये भी स्वियर कंडीशन इख्तियार कर जाती हैं, स्वियर हालत हो जाती है, बिगड़ जाते हैं, तो उस सूरत में भी फिर ये असाइटीज़ का मर्ज़ जो है सामने आता है। हार्ट फेलियर भी एक रीज़न है, बहुत यानी कि परसेंटेज इसकी बहुत कम है, नॉर्मली 3% चांसेस होते हैं हार्ट फेलियर में कि पेट के अंदर पानी भर जाए। कैंसर जो है उस सूरत में भी हमारे पेट में पानी भर सकता है, स्पेशली वो कैंसर जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, या पेरिटोनियल का कैंसर जो है उसमें पेट में पानी भर जाता है। इन्फेक्शन है मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कि टीबी है, टीबी भी जो है वो भी असाइटिस का मर्ज कॉज कर सकता है कि फेफड़े ख़राब हुए या एब्डोमिनल टीबी हुई और उसके बाद पेट में पानी भर गया। हमारे पेनक्रियाज की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत में भी पेट में पानी भर जाता है। हाइपोथायराइडिज्म ये भी एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें पेट में पानी भर सकता है। हमारे गुर्दे जो हैं अगर वो ख़राब हो जाएं और अपना फंक्शन प्रॉपरली अदा ना करें, जैसे कि हमारे गुर्दों का काम है कि सोडियम को हमारे जिस्म से बाहर निकालता है, लेकिन अगर किसी वजह से गुर्दे अपना काम करने के काबिल ना रहे और सोडियम की जो एकोमोलेशन है हमारी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी हमारे पेट में पानी भर जाता है। इसके अलावा अगर पोर्टल वेन में ब्लड क्लॉट्स बन जाएँ तो उस सूरत में भी ये मर्ज सामने आता है। दिल की झिल्ली, यानी वो झिल्ली जिसमें हमारा दिल लिपटा हुआ है, मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने किसी लेक्चर में कहा था कि हमारे हर ऑर्गन को अल्लाह पाक ने लपेट के रखा है, कोई ना कोई झिल्ली उसके ऊपर चढ़ी हुई है। उस झिल्ली दिल के हवाले से मैं अब कहने लगी हूँ कि उस झिल्ली में अगर थिकनेस पैदा हो जाए तो भी पेट में पानी भर सकता है। असाइटिस की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हैं, यानी आप कह सकते हैं कि तीन
इसके कैटेगरीज हैं, ग्रेड्स हैं इसमें, जिसमें असाइटिस को डिवाइड किया जाता है। ग्रेड वन में जो असाइटिस है वो माइल्ड होती है, यानी बहुत कम होती है, और इस असाइटिस का पता सिर्फ उस वक्त चलता है जिस वक्त पेशेंट जो है अल्ट्रासाउंड करवाता है या सीटी स्कैन करवाता है, इसके अलावा आपको नहीं पता चलता है। फिर ग्रेड टू वो होता है जिसमें डिटेक्टेबल होता है, यानी आप यूँ कह लीजिए कि जब पेशेंट करवट बदलता है तो उसको महसूस होता है कि उसके साथ कोई चीज़ भी शिफ्ट की। तो वो जो एसआईटी है, वो एसआईटीज की कंडीशन है, वो ग्रेड टू में शामिल होती है, और ग्रेड थ्री में वो कंडीशन होती है जिसे आप अपनी आंखों से भी देखते हैं। यानी एक तो आप डायरेक्ट उसको देख रहे हैं कि आपको देखने से महसूस होता है कि पेशेंट का पेट जो है बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, पेशेंट के पेट को आप जब पुश करते हैं या टैप करते हैं तो बाकायदा एक वेव सी बनती है, जैसे कि फ्लूड जो है उसने अंदर मूव किया है, या पेशेंट जब हिलता है, शिफ्ट करता है, तो साथ में वो फ्लूड भी उसको हिलता हुआ महसूस होता है। तो ये जो असाइटिस की आप कह लीजिए टाइप है, ये ग्रेड थ्री में आती है। और जाहिर है जो चीज़ आपको आंखों से नज़र आ रही है, जिसको आप महसूस कर रहे हैं, तो वो सबसे बिगड़ी हुई कंडीशन होती है जिसमें मर्ज जो है अपनी पीक के ऊपर पहुंचा हुआ होता है। साइन और सिम्टम जो हमारे सामने आते हैं उसमें ये कि सबसे पहले तो आपका पेट का जो साइज़ है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाता है। मैं अगर क्लिनिकली बात करूँ तो जब असाइटिस के पेशेंट हमारे सामने आते हैं तो पेशेंट के पेट को देखते ही समझ आ जाती है कि पेशेंट का पेट जो है वो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल हालत में है, और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है, वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, पेट में एक बेचैनी सी रहती है। जाहिर है जब भी कोई चीज़ अपनी नॉर्मल हालत में नहीं रहेगी और उसमें एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहली जो कैफियत सामने आती है वो डिस्कम्फर्ट की आती है, कि आप अपने आप को सुकून की हालत में महसूस नहीं करते, आपके अंदर बेचैनी आना शुरू हो जाती है और आप एक डिस्कम्फर्ट पोजीशन में आ जाते हैं, एक तकलीफ़देह हालत में आ जाते हैं। तो बिल्कुल असाइटिस के जो पेशेंट हैं ये भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में मुबतला हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है इस वजह से कि असाइटिस जो है इसमें पेट में जब पानी भी पड़ता है और जिस्म के ऑर्गन्स अंदर से ख़राब होना शुरू होते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि हमारे लंग्स भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और लंग्स के अंदर भी पानी पैदा होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जब ये इन्फेक्शन बढ़ती है तो ये लंग्स को इन्वॉल्व करती है, हमारे लंग्स के अंदर जो है वो फ्लूड जमा होना शुरू हो जाता है, लंग्स की इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, और नतीजे के तौर पर सांस की जो प्रॉब्लम है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। छोटा सांस हो जाता है पेशेंट का, पेशेंट गहरा सांस नहीं ले सकता, आज़ादी के साथ सांस नहीं ले सकता, सांस लेने में उसको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और इसके साथ नोजिया की कंडीशन पाई जाती है। ये मर्ज जब बिगड़ता है तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिनमें आप मेन अगर मैं कहूँ कि दो ही कॉम्प्लिकेशन इसमें जो आती हैं, एक तो वो ये कि जो पेरिटोनियम है हमारी, यानी वो झिल्ली जो हमारे पेट के गिरदा है, जिसमें हमारे विज़रास मौजूद हैं, एब्डोमिनल विज़रास मौजूद हैं, उसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। एक तो पहले ही आपके पेट में पानी भरा हुआ है, आपके पेट जो है वो डिस्कम्फर्ट हालत में है, सांस की तंगी पाई जा रही है, और नतीजे के तौर पर आपके दूसरे जो ऑर्गन हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होना शुरू हो जाती है। तो जाहिर है आप कोई पुरसकून कंडीशन में तो नहीं होंगे, आप इंतहाई तकलीफ़देह हालत में आ जाते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसिस की कंडीशन सामने आना शुरू हो जाती है, यानी कि क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, लोथरे खून जो है लोथरों की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाता है, और उसके नतीजे में जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो सूरत हाल हमारे सामने आ जाती है। तो असाइटिस जो है बेसिकली एक इंतहाई तकलीफ़देह हालत है, ये कोई आसान या आम मर्ज नहीं है। अब तो मर्ज कोई भी आसान या आम नहीं होता है, हर मर्ज तकलीफ़ देता है, लेकिन ये असाइटिस जो है चूँकि इसका ताल्लुक ज़्यादातर आपके लिवर के साथ है, और लिवर आपकी बॉडी का जो है एक वाइटल ऑर्गन है, अगर आप लिवर के फंक्शंस पढ़ना शुरू करें तो आप यकीन जानिए सैकड़ों में लिवर के फंक्शंस आपको मिलेंगे कि लिवर क्या क्या काम करता है। हमें तो लिवर के मेन मेन फंक्शन ही पता होते हैं, और हमें होम्योपैथी कॉलेजेस में लिवर के ज़्यादा से ज़्यादा 50 फंक्शन पढ़ा दिए जाते हैं या 40 फंक्शन के हवाले से बता दिया जाता है, लेकिन लिवर जो है हमारा एक
बेसिक ऑर्गन है हमारा, एक वाइटल ऑर्गन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है एक तरह से काम के हवाले से, जिसमें बेतहाशा काम करने होते हैं, और जब लिवर ख़राब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। लिहाजा लिवर के साथ इन्फेक्शन आना शुरू हो जाती हैं, आपके लंग्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, आपका पेट जितना है, पेट के जितने विज़रात हैं, पेट की जो झिल्ली है वो इन्वॉल्व हो जाती है, आपका हार्ट जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, क्योंकि आपका दिल, आपके लंग्स और आपके फेफड़े जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पास पास पड़े हैं। जब एक चीज़ ख़राब होगी तो ऑटोमेटिकली अपने पड़ोसी को भी मुतासिर करेगी, और उसमें भी वो इन्फेक्शन जा सकती है और उसमें भी वो मर्ज जा सकता है। लिहाजा एक वक्त में कई तकलीफ जो है वो सामने आ जाती हैं। तो असाइटिस बताते खुद बड़ी ही एक तकलीफ़देह हालत है, और अगर ये सिरोसिस की वजह से हो रही है तो फिर आप देख लीजिए कि सिरोसिस जो है जिगर के हवाले से एक इंतहाई तकलीफ़देह और परेशान कुन सूरत हाल है, जिसका पता सिर्फ उस पेशेंट को चलता है जो इस तकलीफ़ को भुगत रहा होता है। तो मेडिसिन के ज़रिए हम पेशेंट को कम्फर्ट करने की कोशिश करते हैं। एलोपैथी में तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। आप यकीन जानिए पेट में से जो पानी निकाला जाता है ये भी एक बड़ी तकलीफ़देह हालत है, और अगर ये पानी जो है गुर्दों की खराबी की वजह से, रीनल फेलियर की वजह से आ रहा है, जहाँ पे रीनल डायलिसिस किया जा रहा है, तो डायलिसिस भी बताते खुद एक तकलीफ़देह हालत है। फिर उसके साथ अगर पेट में पानी पड़ गया है तो वो मज़ीद तकलीफ़देह हालत जो है पेशेंट उसका शिकार हो जाता है, और पेट में से जब पानी निकाला जाता है तो ये कोई आप कह लीजिए कोई खुशगवार किस्म की सूरत हाल नहीं होती, ये इंतहाई तकलीफ़देह सूरत हाल होती है जिसका पेशेंट को सामना करना पड़ता है। मेडिसिन के साथ साथ हम पेशेंट को जो एडवाइस करते हैं तो वो उसकी हम खुराक के हवाले से और उसकी लाइफस्टाइल के हवाले से हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपने कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। लिहाजा पेशेंट को सबसे पहले तो हम हेल्दी डाइट के हवाले से गाइड करते हैं कि अच्छी सेहतमंद किस्म की ग़िज़ा ले, अपने आप को खुले माहौल में रखे, साफ़ सुथरे हाइजीनिक माहौल में रखे, और अपने आप को ज़्यादातर बंद कमरों में या आप कह लीजिए कि ऐसा माहौल जो हाइजीन नहीं है किसी भी तरह से, वहाँ पर अपने आप को ना रखे। पेशेंट के लिए मस्ट है कि अपनी खुराक में से बहुत सारी चीज़ें माइनस कर दे, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपके, जिनमें आपके एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, या वो ड्रिंक्स हैं जिनकी बहुत तेज़ बू होती है या खुशबू उनमें पाई जाती है। बू ही लफ्ज़ और हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि शराब वगैरह है उसका इस्तेमाल कम कर दे, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिनमें किसी ना किसी तरह मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी जो अद्वियाती असरात रखते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, स्पाइसी फूड से परहेज़ करें, इसके अलावा ऐसी हर खुराक से परहेज़ करें जिसमें चीनी और नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया हो, यानी अगर ऐसा पेशेंट जिसको ओसाइटिस है अगर वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो उसका मर्ज़ जो है वो बढ़ जाएगा और वो तकलीफ़ देह हालत में आ जाएगा, या वो चीनी का इस्तेमाल भी अगर ज़्यादा करता है या तेज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल करता है तो उस सूरत में भी उसका मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पेशेंट को चाहिए कि वो अपने गुस्से और अपने इमोशंस के ऊपर जो है वो काबू रखे। जाहिर है जब असाइटिस के पेशेंट जो हैं वो जब इतनी तकलीफ़ से गुज़रते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिनमें कुछ नफ्सियाती चेंजेस हैं, गुस्सा उनको ज़्यादा आएगा, किसी हर बात के लिए वो दुखी भी हो सकते हैं, ये इसके थोड़े नफ्सियाती पहलू होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो किसी भी मर्ज़ का पेशेंट हो उसे शायद यही महसूस होता है कि उसको केयर नहीं दी जा रही या उसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा या उसकी फीलिंग्स को समझा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार होना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंसिव हो जाता है और अपने गुस्से के ऊपर भी वो काबू नहीं पा सकता है। होम्योपैथी में हम अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम काम करते हैं। हमारे सामने जब मरीज़ आता है, अब वो असाइटीज़ के नाम के साथ आ रहा है, तो हम मर्ज़ के नाम को भी कंसिडर करेंगे और हम पेशेंट की कंडीशन को भी कंसिडर करेंगे। हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर कोई भी ए बी सी डी ई होम्योपैथिक मेडिसन इस्तेमाल कर सकते हैं,
करते हैं, और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि बज़ाहिर एपिकॉक जो है वो इसकी मेडिसिन नहीं है, असाइटिस की मेडिसिन नहीं है, लेकिन जब पेशेंट आकर आपको ये कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा मतली है, बहुत ज़्यादा नौजिया का वो शिकार है, तो उस सूरत में हम एपिकॉक को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। पेशेंट ने हमें जो सिम्टम्स देने हैं, हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर काम करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन की एक आपको ग्रुप का नाम बताती हूँ जिनको असाइटिस में मद्देनज़र रखा जाता है। और आप इन मेडिसिन के नाम जब अगर आप जानते हैं या जब आप सुनेंगे तो आपको एक खुशगवार हैरत का भी एहसास होगा कि तमाम पोलिक्रस रेमेडीज और तमाम मशहूर अदविया जो हमारे क्लिनिक का लाजमी जूस होती हैं, जिनसे हम अपना क्लिनिक चलाते हैं, वो तमाम की तमाम मेडिसिन जो हैं वो एसआईटीज़ में काम करती हैं। पोलिक्रस रेमेडीज़ हैं और वो ख़ासतौर पर वो अदवियात हैं जिनको इस्तस्का के लिए, इस्तस्काई कंडीशन के लिए, अडिमा के लिए शोहरत हासिल है, जिनको जिगर के हवाले से शोहरत हासिल है, जिनको एबडोमन के हवाले से शोहरत हासिल है। तो हम ऐसी तमाम मेडिसिन जो हमारे, आप अगर मैं नाम भी ना लूँ और आप होम्योपैथी जानते हैं या आपको पता है कि हमारी कौन सी मेडिसिन है जो जिगर पे काम कर रही हैं, जो पेट के ऊपर काम करती हैं, जो हमारे एबडोमिनल विजरात के ऊपर काम करती हैं, तो आप उन मेडिसिन को मेरे कहे बगैर भी जान सकते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, न्यू कमर्स के लिए बता दूं कि हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन इस मर्ज में काम करती हैं वो ये हैं, आर्सेनिक एल्बम, एपोसाइनम। एपोसाइनम की वजह शोहरत ही पानी भरने और इस्तस्काई कंडीशन के लिए, और यहाँ पर एपोसाइनम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेसिकली इस वजह से भी किया जा रहा है कि ऐसी एसाइटिस जो अल्कोहल के कसरत के साथ इस्तेमाल करने की वजह से पैदा हुई हो, वहाँ पे एपोसाइनम को इस्तेमाल किया जाता है। एपिस मेलिफिका के हवाले से आप जानते हैं कि इसमें ऑडिमेटस कंडीशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस्तस्काई हालतें पाई जाती हैं, सीरस मेम्ब्रेन में पानी पड़ना पाया जाता है, इसकी मोडलिटीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं, तो वहाँ हम एपिस मेलिफिका को इस्तेमाल करवाते हैं। आर्सेनिक, जिस तरह मैंने आप सबसे पहले नाम लिया, आर्सेनिक बताते खुद एक पोलिक्रेस्ट रेमेडी है, इसमें भी इस्तस्काई कंडीशंस पाई जाती हैं, इसमें भी बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स पाए जाते हैं, ख़ासतौर पर इसकी मोडलिटीज़ जो हैं वो भी मद्देनज़र अगर आप रखें तो आप इस मेडिसिन को भी देखेंगे कि ये भी एसआईटीज़ में बेहतरीन काम करती है। डिजिटेलस को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ कहीं हार्ट की इन्वॉल्वमेंट आएगी, जहाँ कहीं हार्ट की झिल्ली की इन्वॉल्वमेंट आएगी, जहाँ कहीं सांस की तकलीफ आएंगी, वहाँ पर डिजिटेलिस का इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना को इस्तेमाल किया जाता है, और आप देखिए कि चाइना कितनी बेहतरीन दवाई है हमारी पेट के हवाले से, हमारे विजरात के ऊपर इसका बेतहाशा असर है, हैवीनेस के हवाले से, पेन के हवाले से और कमज़ोरी के हवाले से हम चाइना को इस्तेमाल करवाते हैं। लाइकोपोडियम, वजह शोहरत ही जिगर है, हलीबोरस को इस्तेमाल किया जाता है, फिर एसीटम को इस्तेमाल किया जाता है, एडोनिस वर्नालिस को इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम वो मेडिसिन, आर्सेनिक, एपोसाइनम, एपिस मेलिफिका, डिजिटेलस, चाइना, लाइको, हलीबोरस, एसिटिकम, एसिडम, ये तमाम की तमाम मेडिसिन जो हैं ये पोलिक्रस्ट रेमेडी हैं, और इनकी वजह शोहरत किसी ना किसी तरह पेट के हवाले से, पेट के विजरात के हवाले से, लंग्स के हवाले से, सॉरी भाई जिगर के हवाले से अब कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जब भी हमारे पास असाइटिस के पेशेंट आएंगे तो हमने जहाँ बहुत सारी दूसरी मेडिसिन को कंसीडर करना है, वहाँ हमने इन पोलिक्रेस्ट रेमेडीज़ को नहीं भूलना है। ख़ास तौर पर इस तस्काई कंडीशन में एपोसाइनम और एपिस मेलिफिका को आपने नहीं भूलना है। जहाँ कहीं जिस जगह भी बॉडी में असाइटिस के हवाले से भी मैं बात कर रही हूँ, अगर इस तस्काई कंडीशन पाई जाती है तो आपने इन दो मेडिसिन को लाजमी कंसिडर करना है। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये हमारी पोलिक्रेस्ट रेमेडी हैं, इनका ख़ास फोकस हमारे एब्डोमिनल विजराज के ऊपर है, हमारे लिवर के ऊपर है, वहाँ पर आपने इन मेडिसिन को नहीं भूलना। ये वो टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो असाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पेशेंट के साइन और सिम्टम ब्राइनिया को कॉल कर रहे हैं, आप ब्राइनिया को इस्तेमाल कर लीजिए, आपके पेशेंट के साइन और सिम्टम एपिकॉक को कॉल कर रहे हैं, आप एपिकॉक का इस्तेमाल कर लीजिए, पेशेंट की अलामत आपके
सामने, पेशेंट आपके सामने। यही वजह है कि मैं कहती हूँ कि दवा का इंतखाब करना, दवा की पोटेंसी करना डॉक्टर का हक है। लेकिन आप एसआईटीज़ में इन मेडिसिन को ज़रूर कंसीडर कीजिए। हमेशा की तरह आखिर में कहूँगी कि शिफा देना अल्लाह का काम है, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है और हम नेक नियति से पूरे दिल से कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक हमारे मरीज़ों को शफाए कामला अता करे। आमीन। शुक्रिया।